चले जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं। अच्छा जी जी, अब वीडियो ठीक हो गई है, अब वीडियो ठीक हो गई है। अच्छा चले जी, फ्यूडल लॉर्ड से लड़ रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, वी डोंट गिव अ डैम, हम अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एक तो जो इस मुल्क की मोरालिटी है ना, ये ले दे के बैठ गई है, ठीक है। आप लोग किस लिए सीजेस कर रहे हैं? हद हो गई है, हर मोरालिटी का चूरन बेच 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 के लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, ठीक है जी। चैट जो है वो ओपन तो इसलिए रखा हुआ है कि कोई ना कोई जरूरी बात हो जाए, लेकिन आप लोग फिर अपनी मामलात शुरू कर देते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम जाएंगे जी कि थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस की जो डायनामिक्स हैं वो कैसे शेप हुई और वो कहां से शेप हुई है, ठीक है। तो इसके लिए जी सबसे पहला जी, बस ठीक हो गया जी, इस ठीक ठीक है ठीक है, बस आगे चलते हैं। चले जी, तो सबसे पहली चीज ये है कि हमने ये ध्यान में रखना है कि जो टर्की है उसकी जो ओरिजिन है वो फ्रॉम एम्पायर टू नेशन स्टेट है, फ्रॉम एम्पायर टू नेशन स्टेट। तो जब टर्की एम्पायर है ना, तो उसकी मिलिट्री तब भी है, उसकी जो वो सिक्योरिटी के हवाले से जो भी उसकी आर्मी है या उसका जो अपरेटिस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यानी कि टर्की एज अ नेशन स्टेट, टर्की एज अ नेशन स्टेट बनने से पहले भी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी है वो क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है, नंबर वन। नंबर टू जो चीज आपको बैकग्राउंड में याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब टर्की ने ट्रांजिशन ली फ्रॉम एम्पायर टू नेशन स्टेट, तो उसके जो फाउंडिंग फादर हैं उसके अंदर जो मेजर रोल प्ले किया है वो किसने किया है, वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने किया है। अब जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क हैं वो इटसेल्फ मिलिट्री क्या है, कमांडर है, ठीक है। वो उस टाइम जो है वो सारी जो सूरत हाल है उसको क्या कर रहे हैं जी, लीड कर रहे हैं। नंबर थ्री जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था ऑटोमन लेगेसी में वो उसी तरह कैरी फॉरवर्ड कर लिया जब टर्की एज अ नेशन स्टेट बना। तो ये थर्ड पॉइंट मैंने बोला है कि जो ऑटोमन लेगेसी है कि जो पावर है उसको एसोसिएट किया जाता है किसके साथ, मिलिट्री माइट के साथ, मिलिट्री माइट के साथ। तो वही सेम चीज जो है वो ट्रांसफर होगी किसके अंदर जी, जब टर्की एज अ नेशन स्टेट बने। जी अब और इसके साथ चौथी चीज जो टर्की की हिस्ट्री है, नेशन स्टेट की हिस्ट्री, उसके अंदर फिर आपको पता है कि चार मेजर इंटरवेंशन जो है वो हमें देखने को मिली है, ठीक है। 1960, 1971, 1980 और 1997 जी, और उसके बाद 2016 जी। अभी हम आएंगे 2016 पे आएंगे, असल जो मुद्दा है वो है ही 2016 के बाद का, तो पहले जरा थोड़ी ग्राउंड सेट कर ले, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि जो टर्की की मिलिट्री है, ठीक है, उनका बहुत ज्यादा जो रोल है इनटू द पॉलिटिक्स, उसमें क्या क्या चीजें आई हैं, क्यों आई हैं, ये अब हम बात करेंगे कि कॉजेस क्या हैं, रीजंस क्या हैं, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने टर्की को, टर्की की जो मिलिट्री है उनको इतना सिग्निफिकेंट बना दिया है उनकी किस्में जी, पॉलिटिक्स में। सबसे पहली चीज जो पावर स्ट्रक्चर था टर्की के अंदर 2016 से पहले या पीछे, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर स्ट्रक्चर, उसमें आपको पता है कि 16 से पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मौजूद होते थे, यानी कि मिक्स सिस्टम था। तो उसके बाद जो नंबर थ्री पे बंदा है वो कौन है, वो चीफ ऑफ डिफेंस है, चीफ ऑफ डिफेंस है जी, चीफ ऑफ डिफेंस है। अब चीफ ऑफ डिफेंस जो है, यहां पर याद रहे कि ये एक तरफ चीफ ऑफ डिफेंस है और दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो नंबर थ्री पे डिफेंस मिनिस्टर नहीं आ रहा या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नहीं आ रहा, बल्कि चीफ ऑफ
डिफेंस आ रहा है, अब चीफ ऑफ डिफेंस को अपॉइंट कौन कर रहा है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट कर रहा है, प्रीमियर डायरेक्ट कर रहा है, वो उसी को क्या है रिस्पॉन्सिबल। तो जो अंदर से डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका जो रोल है वो क्या है, वो फिर इलिमिनेट हो जाता है, डिफेंस मिनिस्टर उसके अंडर आ जाता है। और जितनी ये लिख लें, डिफेंस पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है और प्लानिंग है जी, डिफेंस पॉलिसी जी, डिफेंस पॉलिसी, डिफेंस स्ट्रेटजी और डिफेंस प्लानिंग, ये तीनों चीजें जो हैं ये सीओडी के पास है, चीफ ऑफ डिफेंस के पास है, ना कि डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है। जी उसके बाद नंबर टू, ओवर्ट और कोवर्ट, ओवर्ट एंड कोवर्ट जो गार्डियनशिप मॉडल है वो अडॉप्ट किया टर्किश मिलिट्री ने, गार्डियनशिप मॉडल, ओवर्ट एंड कोवर्ट गार्डियनशिप मॉडल। ये क्या है, मुख्तलिफ शक्लों में टर्किश मिलिट्री ने इंटरवेंशन स्टार्ट की हुई विद इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। डायरेक्ट बात करूं तो कभी मार्शल लॉ लगा लिया, और अगर इनडायरेक्ट बात करें तो जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनके अंदर वीटो की पावर किसके पास है, वो टर्किश मिलिट्री के पास थी, कि कोई भी पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हुआ है उसके अंदर जो अल्टीमेट से है, जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको मैनेज कौन कर रहा है, ठीक है जी, उनकी वहां की जो मिलिट्री है वो उनको मैनेज कर रही है। नंबर थ्री, जब किसी भी मुल्क की मिलिट्री किसी मुल्क के आइन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट छेड़छाड़ करती रही हो, इंटरवेंशन करती रही हो, तो वहां से ऑटोमेटिकली, पाकिस्तान की मिसाल भी हमारे सामने, टर्की की मिसाल भी हमारे सामने, ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो वो इंस्टीट्यूशन होता है ना वो ऑटोनमस हो जाता है, वो इंस्टीट्यूशन क्या हो जाता है, ऑटोनमस हो जाता है। अब यहां ऑटोनमस का वर्ड बड़ा अहम है, ऑटोनमस से मुराद क्या है कि जमहूरी निजाम के अंदर पार्लियामेंट नंबर वन, या इसके अलावा कोई और ऐसा इदारा जो उनके ऊपर चेक लगा सकता हो उसको वो कबूल नहीं करते। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनमी, अपने ऑफिसर्स की प्रमोशन डिमोशन में, अपने बजट में, डिफेंस प्लानिंग में, प्रोक्योरमेंट में, दे डू नॉट नीड एनी इंटरवेंशन एट ऑल। जी उसके बाद आपको याद होगा अभी रिसेंटली इमरान खान के टेन्योर के अंदर पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, वो बनाई है। तो जिस तरह का सिविल मिलिट्री रिलेशंस होते हैं पाकिस्तान में, आपको पता है कि पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, कोई भी और इदारा हो, जहां पर मिलिट्री एज अ स्टेक होल्डर बैठेगी वहां पर डोमिनेंस किसकी होगी, मिलिट्री की। तो टर्की के अंदर भी यही हुआ है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने प्री डोमिनेंस हासिल कर ली व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी पॉलिसी, व्हेन इट कम्स टू डिफेंस पॉलिसी, ठीक है, और इवन व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन पॉलिसी। तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी जो है वो क्या है, वो प्री डोमिनेंस है। और इंपॉर्टेंट बात इसी पॉइंट के अंदर, सिर्फ डोमिनेंस नहीं है, दे आर अबव द लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, यानी कि कोई पार्लिमानी इदारा जो है, ठीक है, जो अवामी अदारा है, मुंतखब अदारा है, वो उनको स्क्रूटनाइज नहीं कर सकता, ये वो अपनी से जो है उसको उनके ऊपर प्रेफरेंस नहीं दे सकता। अच्छा उसके बाद दुनिया की कोई भी मिलिट्री, कोई भी मिलिट्री एक चीज के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और वो होती है पब्लिक सपोर्ट। तो पब्लिक सपोर्ट के लिए इन्होंने क्या किया है, टर्किश मिलिट्री ने, उन्होंने तीन से चार मेजर चीजों के ऊपर कब्जा किया। नंबर वन, एजुकेशन के ऊपर, कि विद इन द एजुकेशन जो मार्शन वैल्यूज हैं, जो हीरोइज्म है, जो सिंबलिज्म है, उसको क्या किया है, इंग्रेन किया है, प्रमोट
प्रोटेक्ट किया। नंबर टू, मीडिया, मीडिया राय आमा बनाता है, पब्लिक ओपिनियन बनाता है, ठीक है, तो मीडिया जो है उसके ऊपर भी कंट्रोल जो है वो इन्होंने रखा है। और नंबर थ्री, जितने भी एकेडमिशियंस हैं और प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर भी अपनी जो से है वो बनाई है। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, जहां पर एजुकेशन की बात होती है, मिलिट्री के अपने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं नंबर वन, और वो सिविल कंट्रोल से क्या है, बाहर है नंबर वन। नंबर टू, अभी आप इस्लामाबाद जाइए, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है एनडीयू, उसको देखें या दीगर और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं उनको देखें, तो वहां पर जो डिस्कोर्स है, वर्ड यूज कर रहा हूं, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स के ऊपर किसका कब्जा है, ठीक है, कब्जे से मुराद ये होता है कि डोमिनेंस किसकी है, आप उधर कंट्रोल, जो मेजर रिसर्च और स्कॉलरशिप पैदा हो रहा है वो किस सिलसिले का पैदा हो रहा है, तो सेम यही चीज जो है ये आपको वहां टर्की जो है वहां पर उसके अंदर भी नजर आती है। जी, आर्मी पब्लिक स्कूल्स, बिल्कुल सही है। उसके बाद इनके ऊपर किसी भी रियल जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है उसकी गुंजाइश नहीं, एब्सेंस ऑफ रियल पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। जी, 2016 एक न्यू शॉक आया मिलिट्री टर्किश नेशन के लिए, कि जहां पर जो मिलिट्री है उसके किसी एक फैक्शन ने, मखसूस फैक्शन ने क्या किया, कोशिश की कि वो रियासत की पावर पे क्या कर ले, कब्जा कर ले थ्रू फोर्स। अब ये जो मिलिट्री के लोग जिन्होंने ये कू किया है वो कौन लोग थे, एक तो इनमें से आधे वो लोग थे जो गोलन मूवमेंट जो है उसके नुमाइंदे हैं, फतेहउल्लाह गोलन। अब ये बंदा कौन है, ये एक स्पिरिचुअल लीडर है, इसकी रिलीजियस और स्पिरिचुअल अपील है, ये डायरेक्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा भी नहीं है, इलेक्शन भी नहीं कॉन्टेस्ट करता, लेकिन बैकएंड पे रह के वो टर्किश स्टेट जो है उसके अंदर जो पावर है उसका ब्रोकर भी है और पावर को एस्पायर भी करते हैं। ये 1999 से जनाब ये अमेरिका के अंदर ही ये मौजूद है बंदा, और वहां से अपने जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, जैसे ये पाकिस्तान में भी आपको पता है पाक तुर्क स्कूल के नाम से एक स्कूल बना हुआ था, अब तो मेरा ख्याल बंद कर दिया, 2000 चल रहा है अभी भी, ठीक है, अब भी मेरा मुझे लगता है मुश्किल है, उसकी वजह कि जब 2016 का कू हुआ तो उसके बाद वो जो स्कूल थे वो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, तो उनको मुख्तलिफ जगहों पर बंद करवाने की भी कोशिशें की गई, और इस कू के नतीजे में जो उर्दवान है उसको एक बहुत बड़ा प्रेरोगेटिव मिला, और वो क्या था कि उसने मैसिव क्रैकडाउन किया, मैसिव क्रैकडाउन किया विद इन द मिलिट्री, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के जो लोग हैं, एडमिरल रैंक के, कर्नल रैंक के, उनको इन्होंने निकाला है, जेलों में डाला है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं कि इसके अलावा ये जो हमने बात की है कि मिलिट्री को बड़ी डोमिनेंस रही है और बड़ा कुछ रहा है, इसके बावजूद 2016 के बाद जो रिफॉर्म्स हुई हैं उन्होंने टर्किश जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है उसको बड़ी हद तक चेंज कर दिया है। कौन कौन सी रिफॉर्म्स नहीं है ये जरा अब हम वन बाय वन, ये सबसे अहम है, और ये पेपर में अगर सवाल आए तो बराए मेहरबानी हिस्ट्री भी लिखें,
कॉजेज भी लिखें, इम्पैक्ट्स भी लिखें, लेकिन फौरन से 2016 की जो रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आए और उसके बाद क्या जो सिविल मिलिट्री डायनेमिक्स है उस पर बात करें। ठीक है, एक बात जो शायद मैं एज सच बताना भूल गया हूं, लेकिन वो आई होप कि हम सारे लोग जो है उनके माइंड में है कि जो टर्किश मिलिट्री है वो प्रीडोमिनेंटली जो कमालिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी गार्डियन है। वो अपने आप को क्या समझते हैं? कमालिस्ट आइडियोलॉजी के गार्डियन समझते हैं। और चौथी अहम बात जो आपको याद रखनी है कि पाकिस्तान हो या किसी जमाने का टर्की हो, हमारे यहां रियासत से मुराद किसको लिया जाता है? हमारे यहां रियासत से मुराद फौज को लिया जाता है। हालांकि रियासत के बहुत ज्यादा डायनेमिक्स हैं और रियासत के अंदर प्राइमरीली तो अवाम शामिल होते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में देख लीजिए, जब भी वर्ड स्टेट यूज होगा, जब भी वर्ड स्टेट यूज होगा, रियासत यूज होगा, तो उसके सिनोनिम में कौन सा वर्ड यूज होगा? आर्मी यूज होगी। ठीक है, और यही सेम जब आप ये नोशंस माइंड में रखेंगे ना, तो फिर आपको ये सवाल अटेम्प्ट करते हुए पता होगा कि आपने किस तरीके से बात करनी है और क्या बात करनी है। अच्छा जी, अब कौन कौन सी रिफॉर्म्स की हैं? नंबर वन, जो प्रेसिडेंट है वो चीफ ऑफ डिफेंस को खुद अपॉइंट करेगा और उसको अकाउंटेबल रखेगा। नंबर वन। नंबर टू, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, एक होता है ना आर्मी चीफ और एक चीफ ज्वाइंट चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होता है, उसको अब इन्होंने कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस के अंडर। जी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वो अब क्या है? वो अब किसका हिस्सा है जी? जी, वो अब डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसका हिस्सा है। और ये साथ साथ पाकिस्तान की भी बात मैं करता जाऊं, 2017-18 जब से ये कश्मीर का इशू स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्ट्री की जो थोड़ी बहुत से थी, ठीक है, वो भी खत्म हो गई है। अब हर स्टेटमेंट आईएसपीआर इशू करता है। ठीक है, अब आईएसपीआर जो है वो आर्मी एक डिपार्टमेंट है, एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंडर आगे एक सब विंग है और दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी क्या है? मिनिस्ट्री है। तो आप बैलेंस ऑफ पावर का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है, एक डिपार्टमेंट है, उसका आगे एक सब सर्कल है, वो इतना पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो है उसके ऊपर क्या रखता है? वो एक डोमिनेंस रखता है। जी, ये पेपर में लिख सकते हैं भाई, पेपर में लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद नंबर टू, जो प्रेसिडेंट ऑफ टर्की है, अब वो लैंड, एयर और नेवी तीनों चीफ्स को डायरेक्ट ऑर्डर्स दे सकता है। दे आर डायरेक्ट, यू नो कि वो उसके अंडर है बिल्कुल, अब डायरेक्ट अंडर है, कोई दरमियान में वो नहीं है, चैनल और नहीं है कि जिसके थ्रू उनको कम्युनिकेट किया जा सके। अब वो डायरेक्ट ऑर्डर्स लेंगे प्रेसिडेंट से। भैया बस जी, डायरेक्ट ऑर्डर जो है जी, जो अब प्रेसिडेंट ऑफ टर्की हैं वो डायरेक्ट ऑर्डर्स देंगे जी लैंड, नेवी और एयर चीफ, दरमियान में कोई भी और वाया नहीं है। जी, एक इनकी काउंसिल है, उसका नाम है सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल। सुप्रीम मिलिट्री काउंसिल पहले क्या होता था कि जितनी भी प्रमोशंस हैं, नंबर वन, नंबर टू, जितनी भी असाइनमेंट्स हैं,
कर्नल्स की, जनरल्स की, वो सारी की सारी इसके थ्रू होती थी। अब इन्होंने सुप्रीम जो मिलिट्री अपना है आपका काउंसिल, उससे ये अख्तियारात वापस ले लिए। ये सारे अख्तियारात जो है वो अब डिफेंस मिनिस्ट्री के पास आ गए, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट है उसके अंडर 9 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, 9 बड़े पोर्टफोलियोज हैं। उनके अंदर अब एक और उन्होंने नया बनाया, उसका नाम रखा है जी बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। हम 2016 के अंदर जो टर्की में रिफॉर्म्स आई है ना मिलिट्री के हवाले से, अभी वहां पे पहुंचे, ठीक है। बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, इसका काम क्या है? इससे पहले जो सिक्योरिटी की प्लानिंग होती थी ना वो टोटल मिलिट्री के पास थी, अब ये इन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशन बना दिया और जितनी प्लानिंग है डिफेंस प्लानिंग वो इन्होंने इनको दे दी है कुछ हद तक। बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, और ये डायरेक्ट रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को। इसमें दरमियान में देर इज नो मिलिट्री मैन जो जिसको इन्होंने रिपोर्ट करना है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना है। उसके बाद इन्होंने मिलिट्री का जितना एजुकेशनल सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया काफी हद तक। मिलिट्री का जितना एजुकेशन सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया। मिलिट्री के जो हाई स्कूल थे उनको बंद कर दिए, जितनी मिलिट्री की एकेडमीज थी उनको खत्म करके, या उनका जो कंट्रोल है वो बेसिकली इन्होंने क्या किया है जी, वो इन्होंने अब दे दिया है। इन्होंने एक बनाई है डिफेंस यूनिवर्सिटी, जिस तरह हमारे यहाँ एनडीओ है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, इसी तरह इन्होंने अब एक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बनाई है, वो यूनिवर्सिटी सिविलियन कंट्रोल में है, और जितनी मिलिट्री की एकेडमीज थी उनको उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्लब कर दिया। जी बिल्कुल, मिलिट्री एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स अबॉलिश कर दिए, एकेडमीज खत्म कर दिए, और एकेडमीज का जो स्ट्रक्चर है सारा उसको अब किसके अंडर दे दिया जी, जी जी सिविलियन कंट्रोल में एक डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाई है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, उसके अंडर जो है वो सबको क्लब कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हर कंट्री के अंदर ना कुछ पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, कोस्ट गार्ड्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस। पहले वो आर्मी नेवी के अंडर थी, अब इन्होंने उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर कर दिया। और मजेदार बात पता है क्या, ये जो 2016 वाला कू हुआ है, सबसे ज्यादा बंदे जिन्होंने बगावत की थी उनका ताल्लुक नेवी से था, और नेवी के अंदर से भी ये जो ज्यादा लोग ये इस साइड पे हैं ये वो लोग हैं। सो पैरामिलिट्री फोर्सेस और कोस्ट गार्ड अब ये आएंगे इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर, ना के अपना जो आर्मी या मिलिट्री है वो इनको कंट्रोल करेगी। उसके बाद जितना बिजनेस साइड थी, मसलन इंडस्ट्रियल शिपयार्ड्स, हॉस्पिटल्स, वेलफेयर, जितना भी इस तरह का सारा नेटवर्क था वो सारे का सारा जो है अब वो मिलिट्री से लेके तो सिविलियन मिनिस्ट्रीज को दे दिया गया, सिविलियन मिनिस्ट्रीज को दे दिया गया जी। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या वो काम जिनको हम रूटीन में पाकिस्तान में कहते हैं कि ये सिविलियन डोमेन के हैं, ठीक है। हम बात कर रहे होते हैं ना कि कारोबार करना मिलिट्री का काम, टर्किश मिलिट्री तो यहां तक आ गई थी कि उन्होंने टिकट्स भी बेची हैं सिनेमा की, ठीक है। तो फिर उनको क्या किया है, वापस लेके आए। आखिरी चीज, बल्कि आखिरी तो नहीं, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो एस्टेब्लिशमेंट थी ना मिलिट्री की विद इन द जुडिशरी और दीगर इंस्टीट्यूशंस, उनको डायरेक्टली निकाल लिया गया। क्योंकि जब क्राइसिस क्रिएट होता है ना तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास बड़ी पावर आ जाती है कि वो अंडर द गाइज ऑफ एमरजेंसी वो कुछ भी कर सकता है। तो उर्दवान के पास ये गोल्डन चांस था कि अब वो जितना मिलिट्री अपनी को कंट्रोल करना कर सकता है वो करे। तो उन्होंने कोशिश की है कि जहां जहां जिस जिस डोमेन में जितना खींचा जा सकता था उन्होंने क्या किया, खींचा। लेकिन इस सब के बावजूद
चार से पांच मेजर एरियाज हैं जो स्टिल किसके पास है, मिलिट्री के पास है, और वो उनके अंदर स्टिल वो निगोसिएशन नहीं करते। उसमें क्या है, नंबर वन, जितने भी इनके पर्सोनल्स हैं जो मिलिट्री मैन हैं, उनकी जो इंटरनल एजुकेशन है वो स्टिल सिविलियन कंट्रोल में नहीं है। ये इंडिया ने 1962 के अंदर जो नेहरू की रिफॉर्म्स थी मिलिट्री के हवाले से, इंडिया ने ये तब अचीव कर लिया था कि अपने जो जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, उनकी जो प्रमोशन है उसमें उनको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, कौन से टेस्ट लेने हैं, कौन से मैकेनिज्म से वो प्रमोट होंगे। तो जितने एजुकेशनल मामलात हैं उनको फिर ये अभी भी कंट्रोल करते हैं। नंबर टू, मैनेजमेंट ऑफ पर्सोनल। सबसे बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिन दिनों जंग नहीं ना होती तब आपने जो मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट होती है वो कहाँ करनी होती है और कैसे करनी होती है। जो दुनिया की डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं वहां पर ये काम संभालती है डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारे यहां या टर्की जैसे मुल्कों में वहां पर जो ये डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, पीस डे डिप्लॉयमेंट, ये स्टिल जो है वो मिलिट्री खुद कंट्रोल करती है और उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का या दीगर जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका कोई रोल नहीं है जी। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ बजट। एलोकेशन ऑफ बजट, जो बजट है स्टिल जो है वो उसमें ये नहीं है कि इतनी सारी आपने पावर्स गेन की है तो उसका ये मतलब है कि आप उनका बजट जो है उसको कट लगाएंगे या कोई और इस तरह का काम करेंगे। बजट जो है वो स्टिल वो इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द मिलिट्री जी। उसके बाद जो डिफेंस पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है और प्लानिंग है, डिफेंस पॉलिसी, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। नहीं, जी, डिफेंस पॉलिसी, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। अब इसमें होता क्या है, कहने को तो ये अब किसके पास है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में होता है कि फॉरेन ऑफिस, डिफेंस मिनिस्ट्री मिल मिला के 6 महीने 4 महीने लगा के दिल करे एक प्रपोजल तैयार करे, जैसे ही वो जाएगा, जहरी बात है सिक्योरिटी इदारों का, इंटेलिजेंस इदारों का इनपुट तो आपने लेना है, वो जैसे ही सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस इदारों के पास जाती है उसके ऊपर वो, चूंकि इंफॉर्मेशन के ऊपर कब्जा किसका होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, तो वो पूरे के पूरी जो आपने 4 माह की मेहनत की है दिल करे तो वो उसको एक इंटेलिजेंस का आर्ग्यूमेंट दे के क्या कर दे, रिजेक्ट करा दे, देखें जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आप उससे या तो ये डायरेक्ट पूछ लेना कि जी कौन सी इंटेलिजेंस है, ये तो आप पूछ नहीं सकते, ठीक है, ना ही वो आपको बताएंगे। तो इसलिए फिर क्या होता है, फिर जो डोमिनेंट रोल है वो स्टिल जो है वो किसके पास होता है जी, वो मिलिट्री के पास होता है। अब इस सारे सिनेरियो के बाद जब उर्दवान ये सारा कुछ कर लेता है और कंट्रोल भी आ गया, तो एक चीज जो अभी आगे चलेगी और चल रही है वो ये है कि मिलिट्री जो है वो एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन कल्चर, वो टर्किश हिस्ट्री में, टर्किश साइकोलॉजी में और टर्किश सोसाइटी में वो स्टिल एग्जिस्ट करता है और वो करता रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, जो ये कंट्रोल आया है सिविलियंस का, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो उर्दवान है उसने सिस्टम को प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री से कहां चेंज कर दिए, प्रेसिडेंशियल में। तो कुछ जो लोग हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उसको ये समझते हैं कि ये इन द गाइज ऑफ मिलिट्री कर्टेलमेंट जो प्रेसिडेंट है उसने जो अपनी पावर्स हैं उनको क्या कर लिया, उनको एक अनलिमिटेड हद तक बढ़ा लिया। मिलिट्री जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं वो एक बड़े वसी सिस्टम के तहत जो है वो क्या हो चुकी है, वो इंक्रीज हो गई है, वो बढ़ गई। नंबर थ्री, जो टर्किश सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन है बिटवीन इस्लामिस्ट फैक्शंस एंड जो आपके लिबरल्स कह लें या जो कमालिस्ट आइडियोलॉजी है जो उसको कह लें, तो टर्किश मिलिट्री जो है वो प्राइमरीली उसका टिल्ट किसकी तरफ है, कमालिज्म की तरफ। वो अपने आप को डिफेंडर एंड गार्डियन ऑफ द कमालिज्म समझते हैं। दूसरी तरफ जो इस्लामिस्ट फैक्शंस हैं वो अपनी जगह पर, उनका वो मसला है। तो दोनों घर जो हैं
वो इसी टसल में तब तक चलेंगे जब तक टर्किश सोसाइटी के अंदर ये पोलराइजेशन जो है वो मौजूद है, क्योंकि दोनों तरफ दोनों को पब्लिक सपोर्ट है ना, दोनों तरफ दोनों को ही पब्लिक सपोर्ट है। तो जब तक ये सोशल जी दोनों तरफ जो अच्छा, अब ये यार ये इजलास वाला क्या सिलसिला चला रहे हैं भाई, इसको दरमियान में बंद रखें, ये टॉपिक कंप्लीट कर लें ठीक है। कोई सुना है, सरप्राइज मिल गया, स्पीकर ने को कैंसिल कर दिया है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। चले कोई बात नहीं। अच्छा जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और जो रिफॉर्म्स हैं जितनी भी ये हुई हैं, इनमें से एक चीज जिस पे हमने बात नहीं की और वो ये कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स अब उनके ऊपर एक तो उनको खत्म कर दिया गया किसी हद तक, लेकिन जो हैं उनको नेशनल जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके कंट्रोल में कर दिया। जितने भी मिलिट्री जजेस होंगे जी, जितने भी मिलिट्री जजेस होंगे उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका जो डिसिप्लिन है, वो अब सारा कौन कंट्रोल करेगा जी? वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस जो कि एक सिविलियन इंस्टीट्यूट है। ठीक है। अच्छा अब जहां पर आपने लिखनी है ना रीजंस कि वाई टर्किश मिलिट्री जो है उसने बहुत ज्यादा रोल गेन किए रखा है, अच्छा उसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं ठीक है, वो भी दो तीन ऐड कर ले। नंबर वन, उस जो पहले आपने लिखे ना पॉइंट्स उनके अंदर ही ऐड कर ले। पहली बात ये है कि जो स्टेट नैरेटिव है, नेशन नेशनल नैरेटिव है, उसके ऊपर जो प्री डोमिनेंस है वो थ्रू आउट किसकी रही है जी? वो मिलिट्री की रही, आर्मी की रही है। नंबर वन, पहले भी मैंने एक पॉइंट बताया है कि स्टेट इज इक्वल टू आर्मी ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वहां पर क्या है, एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। नंबर थ्री, जो आइडियोलॉजी ऑफ टर्की है, आइडियोलॉजी ऑफ टर्की है या कमालिज्म है, टर्किश मिलिट्री ने हमेशा अपने आप को उसका गार्डियन, उसका डिफेंडर, उसका प्रोटेक्टर परसीव किया है, सेल्फ परसीव किया है। टेरिटोरियल बाउंड्री का तो होता ही होता है ना, टेरिटोरियल बाउंड्री जो है वो तो मिलिट्री की ने उसको डिफेंड करना ही करना है, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल साइड होती है किसी कंट्री की ठीक है, वो उसके ऊपर भी जो है उनकी सेल्फ परसेप्शन ये है कि वी आर द डिफेंडर, वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ दिस कमांड। डन हो गए। चले अब हम आएंगे नंबर टू पे। पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है जी, कॉम्पोजिशन पावर्स एंड पोजिशन ऑफ फ्रेंच नेशनल असेंबली जी, कॉम्पोजिशन पावर्स, कॉम्पोजिशन पावर्स एंड पोजिशन ऑफ फ्रेंच नेशनल असेंबली, कॉम्पोजिशन पावर एंड पोजिशन ऑफ फ्रेंच नेशनल असेंबली। अच्छा जी इस्मतुल्ला, कमालिज्म की आइडियोलॉजी क्या है? कमालिज्म की आइडियोलॉजी के छह प्रिंसिपल्स हैं ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए ऑफ कोर्स, अगर इन पे क्वेश्चन आता है या नहीं आता, ये इस सवाल में फिर भी आपने लिखने लिखने हैं ठीक है। सेक्युलरिज्म है, मॉडर्निज्म है, इटैटिज्म या कैपिटलिज्म है, पॉपुलिज्म है, नेशनलिज्म है, बिल्कुल सही है। जी हमारा फाइनल एनालिसिस यही होगा कि जो स्ट्रगल है बिटवीन सिविल मिलिट्री रिलेशन वो स्टिल गोज ऑन ठीक है, लेकिन जो हमारी वो है क्या कहते हैं
जो सिविलियन साइड है इन टर्की, उन्होंने एक बड़ी डोमिनेंस हासिल की है इनके ऊपर। और ये जो रिफॉर्म्स 2016 के बाद हुई है, इनको आप वन बाय वन वहां पर मेंशन करें, डिटेल लिखें, और उसके बाद फिर आगे रोड मैप बताएं कि फ्यूचरली दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ये तो नहीं है कि दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन भी होगा, एग्जिस्टेंस भी होगी, लेकिन जो सिविलियन साइड है उनकी अब कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रोल है वो हमें मिले, क्योंकि मिलिट्री के अंदर अगर डिसऑर्डर आ जाए तो मुल्क जो है वो फिर 2 मिनट नहीं लगते, वो फिर मुल्क एक साइड पे हो जाता। अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए क्या वे फॉरवर्ड है व्हेन इट कम्स टू सिविल मिलिट्री रिलेशंस? तो पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड जो है वो, अभी हम बहुत पीछे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए एक ही वे फॉरवर्ड है, जब तक कोई सिविलियन गवर्नमेंट गवर्नेंस और इकोनॉमी ये दो मसलों के ऊपर आप स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं करते, आपकी मॉरल लेजिटिमेसी और मॉरल क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी जर्नैल को ये कहने की कि जनाब अब आपने अपना काम करना। हमारे यहां तो अभी रिवर्स चल रहा है ना, नवाज शरीफ के दौर में थोड़ा चेंज आया, रेजिस्टेंस आई, इमरान खान साहब आए, तो उन्होंने आके जो रोल था ना मिलिट्री का यहां पे, उसको यहां कर दिया। मसलन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, सबसे बड़ी चीज ये देखे, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में भी किसको डाल दिया? मिलिट्री को डाल दिया। भाई जहां पे आर्मी चीफ बैठेगा वहां पे बाकी इनपुट लेना और बात है, डायरेक्ट उसका हिस्सा बनाना। और जो फिर मैंने तीसरी बात की, ये जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, पूरी की पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री इन 3 साढ़े 3 4 सालों में गायब हो गई है, खत्म हो गई, उसका नाम ही खत्म हो गया। डिफेंस मिनिस्टर बनाते ही वो ऐसे बंदे को है, ठीक है, जो बिल्कुल उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, जो जो सिर्फ फाइलें शाइलें मूव करवाना उसका काम है, कोई रियल से नहीं है। ठीक है, ये अभी एनसीओसी का सारा सिलसिला चला है, उसके अंदर भी देख लें, कोविड एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर लिया गया, और उसके अंदर भी सिविलियन साइड से हमारी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और वहां से लोग आके बैठ गए। वो फिर एनसीओसी पे भी ज्यादा कब्जा किसका रहा है? आर्मी का ही रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आएंगे कॉम्पोजिशन पावर्स एंड पोजिशन ऑफ फ्रेंच नेशनल असेंबली। जी जहां तक कॉम्पोजिशन की बात है, जल्दी से जरा, 577 डिप्टीज हैं जी, मेंबर्स हैं, इनको डिप्टी कहते हैं। बल्कि उससे पहले भी जहन में रख ले कि फ्रांस में बाई कैमरेलिज्म है, सेनेट है और नेशनल असेंबली है। जी 577 डिप्टीज हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, यानी कि पर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बंदा सिलेक्ट हो गया था, एक सीट होती है। और जो वोटिंग सिस्टम है यहां पर वो थोड़ा सा डिफरेंट है पाकिस्तान की निस्बत। यहां पर है जी मेजोरिटी टू बैलेट सिस्टम, मेजोरिटी टू बैलेट सिस्टम, मेजॉरिटी टू बैलेट सिस्टम, मेजॉरिटी टू बैलेट सिस्टम। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि सारे उम्मीदवार कॉन्टेस्ट करते हैं, अगर कोई एक उम्मीदवार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल ना कर सके, यानी कि ये नहीं है कि जिसके सबसे ज्यादा आएंगे वो जीत जाएगा, आपको 51% वोट लेने होते हैं। अगर किसी को भी नहीं मिले तो फिर जो टॉप टू होंगे उनका दोबारा मुकाबला होगा, उनका दोबारा मुकाबला होगा। मतलब 10 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, पहले 2 जो हैं उनमें से या कोई भी उनमें से 51 नहीं ले सका, तो वो दोबारा से जो ऊपर वाले 2 होंगे उनके दरमियान दोबारा मुकाबला होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं जी मेजॉरिटी टू बैलेट सिस्टम। इसका जो स्पीकर होता है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं जी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। जी जी जो स्पीकर ऑफ द असेंबली है, नेशनल असेंबली है, उसको प्रेसिडेंट कहेंगे।
नहीं 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 वो असेंबली स्पीकर का नाम उन्होंने प्रेसिडेंट रखा हुआ है ना, ठीक है। अच्छा जी चले, अब हम आएंगे पावर्स के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा ये सवाल आता है, पता है क्यों है ये सवाल आता ही, इसलिए इसमें ना जो पावर्स है ना इसकी असेंबली की, उसमें थोड़ा सा वो है, कुछ चीजें डिफरेंट है। मसलन जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की, तो दुनिया के अंदर दो थेरीज चलती हैं, या तो पार्लियामेंट कंप्लीट सॉवरन होती है, ठीक है, और या वो जो रूटीन लॉज हैं सिर्फ वहीं तक महदूद होती है। तो इनकी जो पार्लियामेंट है वो ऑल सॉवरन नहीं है, वो हर तरह के जो कवानीन है वो नहीं बना सकती। वो कितनी तरह के कवानीन बना सकती है? दो तरह के कवानीन बना सकती है। नंबर वन, यार ये फिर आप लोग जो है या तो क्लास ले लें या फिर हम सारे लोग ही वो देख लेते हैं, इजलास ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, खैर है, ठीक है। असेंबलीज जी डिसॉल्व कर दिए, ठीक है, उन्होंने रिजेक्ट की असेंबली स्पीकर ने, और उसके बाद उन्होंने डिसॉल्व कर दिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल खान साहब को भेजना गार इतना आसान तो नहीं है ना, डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा मुश्किल है, वो लड़ाई कराना चाह रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं है, और तो कुछ भी नहीं है। नहीं वो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वो कर दिया ना कि ये जी वो है, रिजेक्ट कर दिया गैर, हाँ रिजेक्ट करके फौरन उन्होंने असेंबली तोड़ दी। वही समरी भेजनी होती है ना, डिसॉल्व करने का ये मतलब थोड़ी है कि कोई ईंट थोड़ी है कि उसको मारना और वो टूट जाएगी, ठीक है। चले जी आगे चले, दो तरह के लॉज हैं, ठीक है। अभी दुआ करें कि अनार्की जो है वो इस मुल्क में ना आए, वरना जो हालात जिधर जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है, हालात तो खराब इन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। और अभी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल तो डेडलॉक हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली 6 महीने 4 महीने अब आपका मुल्क पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में चला गया, ठीक है। बाकी 2-4 महीने इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुहताद अंदाजे से, वरना तो माशाल्लाह अगले 4-5 साल का रास्ता आज से क्लियर हो गया ना, ठीक है। नहीं आर्मी टेक ओवर नहीं कर सकती, मैं पर्सनली इसको रूल आउट करता हूँ हमेशा। अब वो जमाना चला गया, वो सिविलियन मार्शल लॉ वैसे ही लगा हुआ है तो जरूरत क्या है, ठीक है। चलें जी, दो तरह के रूल्स हैं, दो तरह के लॉज हैं, लॉज कंसर्निंग रूल। हाँ जी ये पेपरों का आपको बड़ा शौक होता है कि डू यू सी एनी इंपैक्ट इन पेपर्स, पेपर कैंसिल हो जाएंगे, पाकिस्तान खत्म होने जा रहा है। बच्चों का दिल करता है अल्लाह माफ करे कि सवेरे से उठिए पता लगे पाकिस्तान का कोई 1-1.5 सूबा ही नालों चला गया, ठीक है, खुदा माफ कर जी। लॉज रिलेटिंग टू रूल्स, चलें जी बस नो मोर डिस्कशन जी, लॉज रिलेटिंग टू रूल्स। नंबर टू, लॉज रिलेटिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, लॉज रिलेटिंग टू रूल्स और लॉज रिलेटिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। रूल्स कौन कौन से जी? सिविल राइट्स एंड फंडामेंटल गारंटीज, अच्छा जी जी सिविल राइट्स एंड फंडामेंटल गारंटीज। नंबर टू, नेशनैलिटी स्टेटस एंड लीगल कैपेसिटी ऑफ पर्संस, ये वो डोमेन्स हैं जिनमें ये लॉज बना सकते हैं, नेशनैलिटी स्टेटस एंड लीगल कैपेसिटी ऑफ पर्संस जी। नंबर थ्री, प्रॉपर्टी इन मैरिज इनहेरिटेंस एंड गिफ्ट, प्रॉपर्टी इन मैरिज इनहेरिटेंस एंड गिफ्ट जी। टैक्सेशन जी, नंबर टू था नेशनैलिटी स्टेटस एंड लीगल कैपेसिटी ऑफ पर्संस जी, टैक्सेशन। नंबर फाइव, डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स जी। नंबर सिक्स, इलेक्टोरेट सिस्टम, इलेक्टोरेट सिस्टम जी, क्रिएशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस
जी, क्रिएशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशंस, इलेक्टोरेट सिस्टम, क्रिएशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं जी? नेशनल डिफेंस, दो तरह के लॉज बना सकते हैं ना, एक कंसर्निंग रूल्स और एक कंसर्निंग प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स में आएगा जी नेशनल डिफेंस जी। पॉइंट नंबर 5 था टैक्सेशन, डेफिनेशन ऑफ क्राइम्स जी, नेशनल डिफेंस। आगे आ जाएं, आगे साथ साथ चलते जाएं भाई, जो रह गया वो रह गया। नेशनल डिफेंस, एजुकेशन, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लेबर एंड ट्रेड यूनियन। अच्छा जी, नंबर 2 फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स जी, आर्टिकल 47 ऑफ द 5th रिपब्लिक ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई मनी बिल आता है असेंबली के अंदर, विद इन 40 डेज आपने उसके ऊपर सारा उसको कंप्लीट करके उसको आपने खत्म करना है। और अगर नहीं करते, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनका फीचर ये है कि असेंबली का प्रेरोगेटिव नहीं होगा, फिर वो एक जगह से बिल दूसरे हाउस में क्या हो जाएगा, पहुंच जाए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच, यानी कि एक हाउस से दूसरे हाउस में पहुंच जाएगा जी। आर्टिकल 47 जी। नंबर 3 कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव। फाइनेंशियल पावर्स के बाद कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव जी, 40 डेज का होता है कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव। अच्छा जी, इसमें क्या है, अंडर द मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडर द मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गवर्नमेंट है, सॉरी जो लेजिस्लेचर है, वो क्या करती है, वो एग्जेक्टिव को कंट्रोल करती है, उसको अकाउंटेबल बनाती है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाती है। दुनिया की किसी भी असेंबली के अंदर जहां पर हुकूमत असेंबली को क्या हो, अकाउंटेबल हो या रिस्पॉन्सिबल हो, वहां पर जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो अलाउ होते हैं, डिफरेंट चेक्स एंड बैलेंस होते हैं या मैकेनिज्म्स होते हैं, उनके थ्रू कंट्रोल किया जाता है जी। उसके बाद जी कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव। नंबर 4 डेक्लरेशन ऑफ वॉर एंड रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज जी, डेक्लरेशन ऑफ वॉर एंड रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज। जी पार्लियामेंट जो है वो ऑथराइज करती है वॉर को जी, पार्लियामेंट ऑथराइज वॉर। और दूसरी तरफ जितनी भी यहां का प्रेसिडेंट ट्रीटीज बाहर साइन करता है, उनको रेटिफाई किसने करना होता है, पार्लियामेंट ने, रेटिफिकेशन काउंटर चेक के तौर पर। और नंबर 5 पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन जी, पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो फ्रेंच नेशनल असेंबली है वो क्या कर सकती है जी, वो इनिशिएट कर सकती है प्रपोजल को जी, इनिशिएट कर सकती है प्रपोजल को फॉर अमेंडमेंट। और उसके बाद जो अमेंडमेंट है वो किधर जाती है जी, वो रेफरेंडम के लिए चली जाती है अवाम के पास। क्लियर हो गया जी। अब हम आएंगे जी नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान।
उनका रोल, उनके फंक्शंस फॉर डेमोक्रेसी, उनके इश्यूज, ये सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तीन टर्म्स हैं, उनको याद रख लें, लेफ्ट विंग, राइट विंग और सेंटर। ये बड़ा सुनते होंगे आप, लेफ्ट विंग, राइट विंग और सेंट्रिस्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर ये टर्म्स निकली, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसमें जो असेंबली थी उसके अंदर ये आवाज दी गई कि जो लोग किंग को और रिलीजन को सपोर्ट करते हैं वो दाई तरफ आ जाए। ये इतना, इसका ओरिजिन इतना सादा है कि जो लोग किंग को और मजहब को सपोर्ट करते हैं वो इधर आ जाए, और जो लोग दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो कहां पे आ जाए, लेफ्ट में आ जाए। और कुछ लोग वो थे, जब अगले दिन इजलास हुआ तो कुछ लोग वो थे जो समझते थे कि हम दोनों चीजें जो है उनका ब्लेंड चाहते हैं, वो जो है वो ना इधर थे और ना इधर थे। तो वहां से क्या आ गया, सेंट्रिस्ट। जी ये है इसकी एक हिस्टोरिकल बात। अब आते हैं कंसेप्चुअल बात, राइट विंग कौन होता है। राइट विंग के बारे में लिख लें जी, ये फोकस किस पे करते हैं, ये फोकस करते हैं अथॉरिटी पे, नंबर वन। नंबर टू हायरार्की पे, नंबर थ्री ऑर्डर पे, नंबर फोर ड्यूटी पे, नंबर फाइव ट्रेडिशन पे, जो स्टेटस को होता है ट्रेडिशन पे, और नेशनलिज्म पे। और इनकी मुख्तलिफ किस्मों में से कुछ किस्में क्या हैं, जो इस्लामिक राइट होता है, कंजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है, मोनार्किस्ट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, राइट विंग। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ तरह का राइट जो है वो इमर्ज होता है। जी अब आ जाए लेफ्ट पे, लेफ्ट क्या चाहता है, लेफ्ट फोकस करता है फ्रीडम पे, इक्वालिटी पे, राइट्स पे, प्रोग्रेस पे और इंटरनेशनलिज्म पे। नेशनलिज्म पे नहीं, इंटरनेशनलिज्म पे। और इनकी भी मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। कहीं पर जो अनार्किस्ट हैं उनको लेफ्टिस्ट कहते हैं, कहीं पर जो कम्युनिस्ट हैं उनको लेफ्टिस्ट कहते हैं, कहीं पर जो सोशलिस्ट हैं उनको लेफ्टिस्ट कहते हैं, और कहीं पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, कहीं पर सोशल डेमोक्रेट्स हैं। जी, अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अगर हम इस कैटेगरी के अंदर जो है वो लेके आते हैं, ठीक है, राइट ना हो तो किसी को कहना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह, अब पीएमएलएन है वो हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली वो राइट, सेंटर राइट की पार्टी है। पिछले 2 ढाई 3 सालों से वो जिस स्टांस के ऊपर चल रहे थे वो लेफ्ट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन वो सेंटर लेफ्ट की तरफ उनका टिल्ट हो गया थोड़ा सा। खैर अब वो फिर वापस आ गए, ठीक है। इसी तरह जो एएनपी है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ठीक है, उनको हम किस साइड पे रखते हैं, उनको हम सेंटर लेफ्ट, नहीं सेंटर लेफ्ट, वो लेफ्ट से मुराद होता है एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है। तो उसमें ये जितनी आपकी अवामी वतन पार्टी है, ठीक है, फिर आपके ये मार्क्सिस्ट पार्टीज हैं, ये सारों को हम रखते हैं उसके अंदर, एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर या लेफ्ट के अंदर। जी हाँ जी, उसके बाद जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान है, इनको हम कहाँ रखते हैं जी, राइट विंग में रखते हैं। टीएलपी जी, उसके बाद पीटीआई है और पीएमएलएन है, ये इनको हम सेंटर राइट की तरफ ही रखते हैं। एमक्यूएम है, वो सेंटर की पार्टी है। अच्छा अब ना हर पार्टी का ना 5 6 पार्टीज जो है इनके बारे में मेजर मेजर आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी ले लें। नंबर वन एएनपी, एएनपी, एएनपी लेफ्ट की पार्टी है, सेकुलर है, और जो पश्तून नेशनलिस्ट एरियाज हैं उनको ये अपील करती है, पश्तून नेशनलिस्ट पार्टी।
और जो केपीके के पश्तून मेजॉरिटी एरियाज हैं वहां पर ये जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम एफ उनके क्या हैं, मेजर कंपेटिटर्स हैं। और नेशनल लेवल पर ये अलायंस होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसकी वजह के दोनों के दरमियान जो आइडियोलॉजिकल वो है एक अफिनिटी है, उसकी वजह से दोनों जमातें जो हैं उनको हम सेकुलर जमातें या लिबरल जमातें जो हैं वो कहते हैं। जी नेक्स्ट, एमक्यूएम सोशली सेकुलर है, पॉलिटिकली लिबरल है और फाइनेंशियली कंजर्वेटिव है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेडिकल जो रिफॉर्म्स हैं वो उसके वो हक में नहीं है। जी पॉलिटिकली लिबरल है और जो कराची है, हैदराबाद है, उसके जो स्प्रॉलिंग कह लें वो सबअर्ब्स हैं उनके अंदर जो है वो एमक्यूएम का होल्ड है। और ये प्राइमरीली जो मुस्लिम मुहाजिर्स हैं, जो लोग माइग्रेट करके आए इंडिया से पाकिस्तान, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया गया। जी फाइनेंशियली कंजर्वेटिव है, पीएमएलएन सेंटर राइट की पार्टी है, फिस्कली एंड सोशली कंजर्वेटिव है, स्ट्रॉन्ग किनशिप और पैटर्नेज के नेटवर्क्स है, कास्ट क्लैन फैमिली इनके ऊपर बहुत रिलाय करते हैं, क्लियर हो गया जी। अच्छा अब आते हैं पीएमएल क्यू, तो पीएमएल क्यू आपको पता है कि उसको हम एक बड़ी स्मॉल पार्टी जो है फैमिली पार्टी उसी के तौर पर देखते हैं, और इनका भी जो रोल है वो भी किनशिप और पैटर्नेज के ऊपर ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिबरल है, इकोनॉमिकली सोशलिस्ट है, रिलीजियसली इस्लामिक है और पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक है। जी इकोनॉमिकली सोशलिस्ट है, जी अच्छा जी। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बेशक जिस मर्जी कोई भी सियासी पार्टी हो, अब हमने ये देखना है कि उनके इश्यूज क्या हैं, इश्यूज विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान। नंबर वन, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिक का मतलब है कि एक सोच एक फलसफा आता है, वो सोच और फलसफा जो है उसके तहत उसकी मूवमेंट होती है, लोगों के इंटरेस्ट अलाइन होते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली एक नेचुरल पार्टी जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। हमारे यहां इनऑर्गेनिक क्यों है? हमारे यहां इनऑर्गेनिक इसलिए है कि जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो बहुत सारी पार्टीज को आर्टिफिशियली तोड़ते हैं, बहुत सारी पार्टीज को आर्टिफिशियली बनाते हैं, बहुत सारी पार्टीज को आर्टिफिशियली अलाइन करते हैं। तो इसलिए फिर सियासी जमात एक अपनी नेचुरल जिंदगी जीने की बजाय वो द वेंटिलेटर ऑफ मिलिट्री या वेंटिलेटर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, उसकी सपोर्ट जो है वो उसके तनाजुर में कभी बहुत मशहूर हो जाती है और कभी बहुत कम हो जाती है। कल मैं देख रहा था पाकिस्तान की जो जिस तरह तरीके इंसाफ की अगर बात कर लें, ठीक है कि आप यकदम आपने पहले एक सीट ली है,
फिर आपने अगले इलेक्शन में 13 सीटें ली हैं या 15 सीटें ली हैं या 20 सीटें ली हैं, और उसके अगले इलेक्शन में यकदम पता चलता है कि आप पूरे मुल्क का क्या है इलेक्शन जीत गए। इसी तरह कुछ खित्ते ऐसे हैं जहां पर जो पुरानी सियासी जमातें थी वो पता लगता है कि यकदम वो क्या कर गई, कलेप्स कर गई। जैसे कि नॉर्दर्न पंजाब, क्लासिकल एग्जाम्पल, 2008 PMLN, 2013 PMLN, टोटल पूरा पूरा हल्का जीते हैं, पूरी पूरी पूरा एरिया जीते, 13-13 सीटें जीते, और 2018 ओनली वन सीट, एक भी नहीं शायद, एक सीट जीते वो भी मुश्किल से, एक MLA की जीते और 2-3 MPA की जीते, वरना सारी की सारी सीटें जो है वो क्या होगी, स्वीप होगी। जी नंबर टू इशू क्या है, जो पार्टी है वो इटसेल्फ जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको क्वालिफाई नहीं करते, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो डायनेस्टिक पार्टी नहीं है, ठीक है, तो ये अभी कल भी मैंने आर्टिकल शेयर किया हुआ था ग्रुप में कि ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डायनेस्ट जो है वो इस दफा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, ये लम्स की स्टडी है प्रोफेसर उजैर की, 67% पार्टी लीडरशिप। अब आते हैं पार्टी लीडरशिप, तो उसके लिए थर्ड पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ पर्सनालिटी ओवर पॉलिटिक्स ओवर पार्टी। क्या इमरान खान की किसी बात को कोई पार्टी का बंदा वीटो कर सकता है या पार्टी इटसेल्फ वीटो कर सकती है? ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी जो लीडरशिप है उनकी जो से है उसको वीटो कर सकते हैं? PMLN क्या उसको वीटो कर सकते हैं आप, जो ऊपर बात लोगों ने कर दी है? नहीं, नहीं कर सकते, सवाए जमात इस्लामी के, ठीक है। नंबर फोर, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनकी बात करेंगे हम, जी नंबर फाइव, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की वो कोई सोशल और पॉलिटिकल एजेंडा की बजाय उन्होंने हमेशा रिलायंस किया है किसके ऊपर, वोट बैंक के लिए, पैटर्नेज पे, किनशिप पे और रिलीजियस अफिलिएशंस पे, बजाय के कोई चार्टर दे ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, और लोग पॉलिटिकल और सोशल क्वेश्चंस के इर्द गिर्द जमा हो जाएं, अच्छा जी जमात इस्लामी को इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर रेगुलर इलेक्शंस होती और उनका एक अमीर जो है वो चेंज होता है, फिर उसकी जगह नया अमीर होता है, नीचे शूरा बैठी हुई है, वो बड़ी पावरफुल है, वो ऑल पाकिस्तान जो है वो लोग नीचे से ऊपर भी आते हैं और उनको फिर टिकट्स भी मिलती हैं, और ये तो हम सब की प्रैक्टिस की बात है। जी कौन सा पॉइंट बताया मैंने, जी जो रिलायंस है ऑन पैट्रोनेज ऑफ किनशिप, ऑन कास्ट, ऑन रिलीजन, वो ज्यादा है रादर देन के कोई पॉलिसी जो है सोशल पॉलिसी, कोई सोशल रिफॉर्म्स एजेंडा, कोई ऐसा डिस्कोर्स बिल्ड किया जाए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एस्टैब्लिशमेंट में या आर्मी, उनके साथ जो कोलैबोरेशन है, ठीक है, वो उसके बगैर अपने आप को, जी वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझते। तो जो सिक्योरिटी है पॉलिटिकल पार्टीज की वो डज नॉट कम फ्रॉम द बेस ऑफ पीपल, लोगों की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें आर्मी वाले लिफ्ट ना करा रहे हो। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जांपल्स हैं, इसमें PMLN की एग्जांपल्स हैं, और अभी आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नजर आ रही है कि 2018 के अंदर जो हमारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स थे वो आपको याद होगा, वो नून लीग वालों को गालियां देते थे कि आप लोग एंटी मिलिट्री जो है वो बात कर दे, तो पिछले एक हफ्ते में जितनी बैशिंग मिलिट्री की हुई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हाथों, ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है सारी कहानी जो है वो अब हमें समझ आ रही है, क्लियर होगी बात, ठीक है। अच्छा उसके बाद जी, जो हमारा कल्चर ऑफ पावर है इन पाकिस्तान,
उसके अंदर आर्बिट्रेरीनेस है, उसके अंदर पर्सनालिटी डोमिनेंस है, उसके अंदर मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर है। ये सब चीजें आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर नजर आती है जी। उसके बाद किसी भी पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात ने, ठीक है, अपना जो पब्लिक पॉलिसी का फ्रेमवर्क है वो नहीं बनाया होगा। जो रिसर्च साइड है ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वो एब्सेंट है। मसलन पार्लियामेंट के अंदर ये बैठते तो एस्टैब्लिशमेंट इनको कहती है जी पार्लियामेंट्री इनपुट दें इन द फॉरेन पॉलिसी। पार्लियामेंट की कमेटी है ना, स्टैंडिंग कमेटी है ऑन द फॉरेन अफेयर्स, जिसकी अभी चेयरमैन है शेरी रमान। तो वहां पर पता चलता है, ये बात की थी मुशाहिद हुसैन ने, क्योंकि उसको फॉरेन अफेयर्स का बड़ा तजर्बा है, उसने ये बात की थी कि जी वहां पर हम बैठते हैं, हमारे दो लोग होते हैं, उनकी भी तैयारी नहीं होती। तो कोई भी सियासी जमात रिसर्च को, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट को, जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको, उनको अपनी पार्टी के अंदर जो वो स्पेस कम से कम देती है, उनको ज्यादा स्पेस नहीं देती। जी क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है। नंबर वन, पॉलिटिकल पार्टी ने जो पब्लिक, उसकी आवाज को रिप्रेजेंट करना होता है। पॉलिटिकल पार्टी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वॉइस ऑफ द पीपल। जी नंबर टू, ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं और एक पॉलिसी की शक्ल देते हैं। जी नंबर थ्री, जो सोशल एस्पिरेशंस होती हैं, जनरल विल ऑफ द पीपल होती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लॉ के अंदर और पॉलिसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जी पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज को ट्रेन एंड शेप करते हैं। पॉलिटिकल वैल्यूज जी, अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, उनके लिए क्या आगे वे फॉरवर्ड है, क्या उनको करना चाहिए। नंबर वन, चूंकि हमारा पार्लिमानी निजाम है तो जो वर्किंग रिलेशनशिप है ना, वो हर सूरत इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक कर ले, एक आपस में डॉक्यूमेंट साइन कर ले, मुआहिदा कर ले कि जी वर्किंग रिलेशनशिप हर सूरत मेंटेन रहेगा। अगर दो पार्टीज के अंदर डेडलॉक भी आता है तो दोनों पार्टीज की जो कुछ कमेटी है, दो चार 10 लोगों की, उनका आपस में जो वर्किंग, जिस तरह अभी इसमें क्लासिकल एग्जाम्पल है सिंध की, क्लासिकल एग्जाम्पल 2000, अपना 2000 कह रहा हूं, ये आपके कराची की डायनामिक्स देख लें और इंटीरियर सिंध। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है प्रोविंशियल, एमक्यूएम है वहां पे मेजर पॉलिटिकल फोर्स। अब अगर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होगा तो सिंध के अंदर फिर क्या होगा, फिर बात कहां तक जाया करेगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाया करेगी। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और वो एमक्यूएम ने कहा जी कि उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, तो बजाय ये सुप्रीम कोर्ट कहती, ये बातें हम लोग खुद भी तय कर सकते। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, नंबर टू, जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है,
चार्टर ऑफ इकोनॉमी, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब वक्त आ गया कि इनको एक कलेक्टिव एफर्ट, एक कंबाइन एफर्ट करनी चाहिए कि यहाँ जो इकोनॉमिक रोड मैप है कंट्री का, वो आने वाले 10 15 20 सालों के लिए ये क्लियर हो जाए कि जी हमने मेजर जो फाइनेंशियल पॉलिसी मेकिंग है वो उसमें ये चीजें, उसके ऊपर हम सबका क्या है इत्तफाक है, जो मर्जी पावर में आए ठीक है, जो अपना पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसके अंदर स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। नंबर थ्री, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस या डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इमरान खान साहब के पावर में या सीन में आने की एक बहुत बड़ी रीजन जो यूथ है उसकी डिससेटिस्फेक्शन थी विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीएमएल एन, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल एन के साथ डिससेटिस्फेक्शन प्राइमरीली क्यों थी, बिकॉज के जो उनकी इमेज है, जो परसेप्शन है ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वो लोगों के दिलों में इतनी स्ट्रांग हो गई कि उस सेंटिमेंट को आके कैच किया किसने जी, इमरान खान ने। और आज आप देख लीजिए कि आज मुल्क के अंदर इस टाइम राइट नाउ जो अभी अभी रैंकिंग चल रही है ताजा ताजा राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग, तो रैंकिंग में सबसे टॉप के ऊपर सियासी शऊर और वो सारे मामला वो किसके पास है ठीक है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो सपोर्टर है वो क्लेम करता है कि मेरे से बेहतर इस टाइम पाकिस्तान के जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो कोई नहीं जानता। ठीक है जी, उसके बाद जी कौन कितने पॉइंट हो गए जी, नंबर फोर, कमिटमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कमिटमेंट कमिटमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, नो मैटर व्हाट कम, जो एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके साथ आप मिलके तो हुकूमतें ना गिराएं और ना छोड़ें जी। नेक्स्ट, जो पॉलिटिकल विच हंटिंग है वो कल्चर अब जो है वो खत्म होना चाहिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अब फैसला करना पड़ेगा कि अगर पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, पॉलिटिकल विच हंटिंग ये इसी तरह चलती रहेगी तो फिर हम ये जो साइकिल है ऑफ मिस गवर्नेंस, फिर हम इसी के अंदर रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल जाएंगे। पीपल्स पार्टी आती है वो पिछली हुकूमत के बंदों को पकड़ना शुरू कर देती है, पीएमएलएन आती है वो पीपल्स पार्टी को पकड़ना शुरू कर देती है, और इमरान खान साहब है तो उन्होंने 3.5 4 सालों में एज अ पॉलिसी, एक होता है एक आधे बंदे को फेंटी फूंटी लगा देना, किसी एक आधे बंदे को केस बना देना, 2 4 केस, एक होता है एज अ पॉलिसी। तो पॉलिटिकल विच हंटिंग जो है वो एज अ पॉलिसी जो है वो हमने देखी है जी। क्लियर हो गया, चलें जी। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो आप पाकिस्तान कोई पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से जो है वो आप बात, और भी खैर बात हो सकती है लेकिन मेजर ये यही बातें अभी जी हमने करने हैं। यूके का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ठीक है, लेकिन हम पहले जो है वो 5 10 मिनट की ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद हम जिन्होंने नमाज के लिए भी बच्चे कह रहे हैं जी जी नमाज की ब्रेक ही दे रहे हो, जिन्होंने नमाज पढ़नी है पढ़ ले ठीक है। टाइम क्या हो गया अभी, 1:09 हो गए, कोशिश करेंगे 1:20 पे दोबारा शुरू करें, 10 मिनट के बाद दोबारा शुरू करेंगे जी। जी अगर आप इसको गौर से देखना शुरू हो गए जी, मैं पिक्चर सेंड करवा दूंगा, मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ ठीक है जी। इंग्लैंड जो है उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली 9 रीजन्स के अंदर तकसीम किया गया, फिर हर रीजन को डिफरेंट काउंटीज के अंदर डिवाइड किया गया है, फिर काउंटीज के नीचे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके नीचे हैं पैरिश काउंसिल्स। जी पैरिश काउंसिल्स, उसके बाद जो काउंटीज हैं उनको आगे फर्दर 4 तरह की काउंटीज में डिवाइड किया गया है, एक मेट्रोपॉलिटन काउंटीज है, एक नॉन मेट्रोपॉलिटन काउंटीज है, एक यूनिटरी अथॉरिटीज है, और चौथा ग्रेटर लंदन, ये इटसेल्फ एक काउंटी है ग्रेटर लंदन। उसके बाद जो काउंटी है उसको फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट्स कितने,
मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट से, नॉन मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट से, फिर यूनिटरी अथॉरिटीज है, और उसके बाद लंदन बोरोज है यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और सिटी ऑफ लंदन है, ये अलग से डिस्ट्रिक्ट है सिटी ऑफ लंदन, और उसके नीचे पैरिश काउंसिल्स हैं, इनका इतना रोल नहीं है जितना ये थ्री लेवल टू लेवल्स काउंटी और डिस्ट्रिक्ट। अब याद रख ले, काउंटी है और डिस्ट्रिक्ट हो जो भी है, ये सारे के सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, जिस तरह पाकिस्तान ने की हुई है कि जी सूबे हैं, फिर डिवीजन्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर तहसील्स हैं, फिर यूनियन काउंसिल्स हैं, तो जिस तरह से कोई भी मुल्क अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन करता है, इसी तरह इंग्लैंड ने जो अपना लोकल गवर्नमेंट है उसकी जो डिवीजन है वो इस तरीके से की हुई है, ठीक है। अब एक एक के बारे में बात करेंगे, सबसे पहली बात हमने करनी है काउंटी काउंसिल्स, काउंटी काउंसिल्स, ये जो आपकी काउंटी काउंसिल्स है इनकी बात करेंगे, इनके पास जी कौन कौन सा इख्तियार है। नंबर वन हेडिंग दे लें अलहदा से, काउंटी काउंसिल्स, ये कौन कौन सा इख्तियार जो है वो ले सकते हैं जी, इनके इनके पास एजुकेशन होती है, हाईवेज है, एजुकेशन, हाईवेज, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट डिस्पोजल, लाइब्रेरीज, सोशल केयर और स्ट्रेटजिक प्लानिंग, जी। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है, पहले हमने बात की काउंटी काउंसिल की, अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, जी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास क्या क्या होता है। नंबर वन हाउसिंग, जी हाउसिंग नंबर वन, लेयर नंबर टू, रिक्रिएशन, ये जितने पब क्लब्स, इन्वायरमेंटल हेल्थ नंबर फोर, वेस्ट डिस्पोजल और लोकल टैक्सेस, जी वेस्ट डिस्पोजल, उसके बाद नंबर थ्री यूनिटरी अथॉरिटीज, नंबर थ्री पे क्या आएगा जी यूनिटरी अथॉरिटीज, यूनिटी अथॉरिटी के वही इख्तियारात होते हैं, यूनिटरी अथॉरिटीज के वही इख्तियारात होते हैं जो या काउंटी काउंसिल के होते हैं या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के होते हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो यूनिटरी अथॉरिटीज काउंटी लेवल पे भी एग्जिस्ट करती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एग्जिस्ट करती हैं, तो जो फंक्शन काउंटी के हैं या डिस्ट्रिक्ट के हैं वो ही सारे फंक्शन किसके होते हैं जी यूनिटरी अथॉरिटीज के होते हैं। अच्छा जी नंबर फोर जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें वो है जी मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट्स, जो मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके पास क्या क्या होता है, इनके पास एजुकेशन है मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट्स, चौथे नंबर पे नंबर फोर हेडिंग बना ले मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट्स, जी इनके पास एजुकेशन है, हाईवेज हैं, ट्रांसपोर्ट है, प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट है, प्लानिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, जी सोशल केयर है, हाउसिंग है, जी और ये जो लंदन बोरोज है और सिटी ऑफ लंदन या ग्रेटर लंदन अथॉरिटी है इनके पास क्या क्या है, इनके पास हाईवेज है नंबर वन, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग है, जी और ये जो पैरिश काउंसिल्स होती हैं, अब इनके बारे में लिख लें कि इनके पास ज्यादातर कौन क्या होता है, जो पैरिश काउंसिल्स हैं
ये ज्यादातर पार्क्स, नंबर वन, कम्युनिटी सेंटर्स, नंबर टू, अलॉटमेंट्स और वॉर मेमोरियल्स, वॉर मेमोरियल्स। एक चौथी, पांचवी टीयर भी होती है, ठीक है, लेकिन उसको वो ज्यादा प्रैक्टिकेबल नहीं है, लिख लें आप उसको। एक होता है पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर्स, पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर्स, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों से, नंबर वन, 4 साल के लिए ये आते हैं। ये टोटल 38 हैं पूरे इंग्लैंड के अंदर, 38 जी। और इनका काम होता है जो फायर एंड रेस्क्यू का काम है उसको ये ओवरसी करते हैं। उसके बाद ये तो थी इंग्लैंड का, आप जरा लिख लें वेल्स का और स्कॉटलैंड का, क्योंकि सारे को मिला के हम क्या कहते हैं, यूके जी। जी नाइन रीजन्स में, रीजन्स डिवाइडेड है काउंटीज में, काउंटीज की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंटीज, नॉन मेट्रोपॉलिटन काउंटीज, यूनिटरी अथॉरिटीज और ग्रेटर लंदन, ये काउंटीज हैं। फिर काउंटीज आगे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, डिस्ट्रिक्ट्स की फिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट, नॉन मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट, यूनिटरी अथॉरिटीज और लंदन बोरोस और सिटी ऑफ लंदन, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये इनके नंबर्स लिखे हुए। टोटल 6 मेट्रोपॉलिटन काउंटीज है, 27 नॉन मेट्रोपॉलिटन काउंटीज है और 56 यूनिटरी अथॉरिटीज है। इसी तरह जब डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो पूरा इंग्लैंड 36 मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, 201 नॉन मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, और ये जो यूनिटरी अथॉरिटीज है, क्योंकि ये बोथ एज अ काउंटी एंड एज अ डिस्ट्रिक्ट एक्ट करती है, तो इसीलिए ये 56 जो है इसी को हम अकाउंट फॉर कर रहे हैं जी, दोनों लेवल पे एग्जिस्ट करता है। और 32 लंदन बोरोज है, कह लें कि लंदन को 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किया गया, एडमिनिस्ट्रेट बोरो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है बस, उसका नाम आप रख लें जो मर्जी रख लें। अच्छा जी, वेल्स जो है, वेल्स के अंदर है ज्यादातर यूनिटरी अथॉरिटीज, 22 यूनिटरी अथॉरिटीज हैं, 22, और स्कॉटलैंड के अंदर 32 यूनिटरी अथॉरिटीज हैं। जी वेल्स के अंदर 22 यूनिटरी अथॉरिटीज हैं, स्कॉटलैंड के अंदर 32 यूनिटरी अथॉरिटीज हैं, और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, 4 है ना, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर बोरोज भी है और डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। जी वो नहीं है, वहां पर ज्यादातर क्या है, यूनिटरी अथॉरिटीज है, यूनिटरी अथॉरिटीज। डन हो गए जी। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो इंग्लैंड का, यूके का लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको अब हम समझ रहे हैं, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं या जिनको समझ नहीं आया, जी मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। पूरे इंग्लैंड को 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, इनके ना कुछ एग्जाम्पल्स भी अब मैं लिखवाऊंगा। रीजन्स को आगे फर्दर किस में डिवाइड किया गया जी, काउंटीज में। काउंटीज को आगे 4 मुख्तलिफ तरह की टाइप्स है काउंटीज की, मेट्रोपॉलिटन, नॉन मेट्रोपॉलिटन, यूनिटरी अथॉरिटीज और ग्रेटर लंदन। और उसके बाद जो हर काउंटी है वो किस में डिवाइडेड है जी, डिस्ट्रिक्ट्स में। डिस्ट्रिक्ट्स की फिर टाइप्स हैं, मेट्रोपॉलिटन, नॉन मेट्रोपॉलिटन, यूनिटरी लंदन बोरोस और उसके बाद सिटी ऑफ लंदन, और एंड पे है जी पैरिश काउंसिल्स, ठीक है। अच्छा, अब जरा इनकी एग्जाम्पल्स लिख लें जरा। जब हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन काउंटीज की तो वो कौन कौन सी है, एक दो के नाम लिख लें, ग्रेटर मैनचेस्टर, ग्रेटर मैनचेस्टर और वेस्ट यॉर्कशायर। जी ग्रेटर मैनचेस्टर और नंबर टू वेस्ट
यॉर्कशायर, YORK SHIRE। और अगर आपने इन नॉन मेट्रोपॉलिटन काउंटीज की एग्जाम्पल लिखनी है तो उसमें नंबर वन है ऑक्सफोर्डशायर, जहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्डशायर जी, नॉन मेट्रोपॉलिटन काउंटीज है। और नंबर टू वॉरविक शायर, WORWICK वॉरविक शायर, SHIRE वॉरविक शायर। और अगर यूनिटरी अथॉरिटीज की बात करनी है तो जो ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल मैंने जानबूझ के ऐसे नाम उठाए हैं जो पाकिस्तानियों ने सुने होते हैं। ब्रिस्टल में चूंकि मैच भी होता है, पता ना आपको, ग्राउंड है वहां पे, तो ब्रिस्टल। और यहां से जो ज्यादातर बच्चे वीजा लेके जाते हैं वो भी बड़े बच्चे मानचेस्टर, बर्मिंगम, ब्रिस्टल, ठीक है, लंदन, यहां पर, या ब्रेडफर्ड, वहां पे जा रहे होते हैं। तो जो ब्रिस्टल है वो एक एग्जाम्पल है किसकी जी, यूनिटरी अथॉरिटी की। जी, हब ऑफ पाकिस्तानी लॉ स्टूडेंट्स इज ब्रिस्टल, बिल्कुल ऐसा ही डन हो गया जी। ठीक है, तो ये जी आपने इसको पेपर के अंदर जो है वो आपने ना सिर्फ जो मैंने एरियाज आपको बताए हैं कि इनमें से कौन 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 से एरिया को कंट्रोल करता है वो भी लिखे, ये डायग्राम भी बनाए, और इनमें से इंडिविजुअली, ठीक है, हमने पांच टर्म्स लिखी है, हमने काउंसिल काउंटी पे बात की है, हमने डिस्ट्रिक्ट पे बात की है, फिर हमने मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट पे बात की है, फिर हमने यूनिटरी अथॉरिटी पे बात की है, और उसके बाद आपने वेल्स का, स्कॉटलैंड का और नॉर्दर्न आयरलैंड का, उनको भी बना रहे। जी, पिक्चर भेज देंगे, डोंट वरी, पिक्चर भेज देंगे, ये कोई इसमें साइंटिफिक वो चीज नहीं है कि, और ना ही ये मैंने अपनी मेरी जाती इख्तरा है, ठीक है, ये फैक्चुअल चीज है ना, ठीक है, तो फैक्चुअल चीज जो है उसके ऊपर वो इतना मसला नहीं होता, हमने समझ लिया, बस ये काफी है। अब आएंगे जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस क्या है इन पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इन पाकिस्तान। आपको पता है ना पॉलिटिकल साइंस में ये सवाल नहीं आता कि जी फॉरेन पॉलिसी के पाकिस्तान के इंडिया के साथ क्या रिलेशंस हैं और चाइना के साथ क्या मसला है, यहां सवाल आता है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी के डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस पाकिस्तान में कैसे आता है। तो ज्यादातर जो बच्चे हैं आप में से उनको ये पता है कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। अब अगर मैं उसके डिटरमिनेंट्स की बात करूं तो डिटरमिनेंट्स आपको पता है दो तरह के हैं, एक इंटरनल डिटरमिनेंट्स हैं और एक एक्सटर्नल डिटरमिनेंट्स हैं। इंटरनल डिटरमिनेंट्स में क्या आता है, इंटरनल डिटरमिनेंट्स में आपकी ज्योग्राफी है, आपकी पॉपुलेशन है, ये लिखते जाए साथ साथ, आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, आपकी पब्लिक ओपिनियन है। जी मैं साथ साथ बोल रहा हूं, आप लोग लिखते जाए, मैं एक चार्ट बना लूं उसकी। जी इंटरनल डिटरमिनेंट्स में ज्योग्राफी है जी, इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज, पब पॉलिटिकल पब्लिक ओपिनियन है, जी अगर हम, और आपके मीडिया है, थिंक टैंक्स है, आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं। और अगर एक्सटर्नल डिटरमिनेंट्स की बात करें उसमें ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर है, जिस तरह अभी देख लीजिए क्लासिक एग्जांपल है यूक्रेन के ऊपर, कि पाकिस्तान या कोई भी और मुल्क है तो इस टाइम उसको यह देखना है कि यूक्रेन के इशू के ऊपर चाइना, रशिया और अमेरिका, ये इनकी पोजीशंस क्या हैं, उस हिसाब से आपने अपने आप को अलाइन करना है। यानी कि जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर यूनिपोलर होता है, बाइपोलर होता है या मल्टीपोलर होता है, तो जोन सा भी पोलर होगा आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करना होता है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन है,
जी, फिर रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट्स है, रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट्स, जी अगर हम फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इंटरेस्ट होते हैं, गोल्स होते हैं, उनको डिवाइड करें तो तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें आप, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट मिड टर्म गोल्स और इमीडिएट गोल्स। जो इमीडिएट गोल्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, वो क्या होता है, वो जनाब आपने अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी उसको बचाना होता है, और दूसरा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस उसको बचाना होता है। और अगर हम मीडियम टर्म गोल्स में बात करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स मीडियम टर्म क्या होते हैं, तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करनी हो तो वो आपको पता है कि वो आइडियोलॉजिकल होते हैं ज्यादातर, स्ट्रेटेजिक बोलते हैं इनको, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स किसी भी फॉरेन पॉलिसी के। जैसे कोल्ड वॉर के दौरान दोनों घरों की कोशिश थी कि दुनिया के अंदर लिबरलिज्म या कम्युनिज्म जो है अच्छा जी, ये एक डायग्राम है पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है, ये उनके हवाले से एक चार्ट है, ठीक है। जो लाइंस मैं ब्लैक के साथ लगा रहा हूं, ये आपने भी ब्लैक से लगानी है, और जो मैं किसी और कलर से लगाऊंगा उनको भी कोई निशानी अलहदा रखनी है, बस फर्क ये रहे, ठीक है। ये जरा जल्दी से ड्रॉ कर लें, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। जी ये जितने एरोज हैं ये हैं फॉर्मल चैनल्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, ये आपका पीएम है, ये आपकी कैबिनेट है, ये आपके प्रेसिडेंट है, ये आपकी पार्लियामेंट है, और फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अलावा बाकी जितनी मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज हैं उनको हमने इस साइड पे रखा है। तो ये जितने भी ब्लैक एरोज हैं ये शो करते हैं कि इनके दरमियान ये जो भी अभी कम्युनिकेशन हो रही है ये सारी फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसके बगैर फॉरेन पॉलिसी नहीं बन सकती, इनके दरमियान राबता रखना होना जरूरी है। अब ये जो रेड कलर से मैं लगाऊंगा इसमें इनफॉर्मल जो चैनल्स हैं, जैसे सिविल सोसाइटी, मीडिया, थिंक टैंक्स, एकेडमिशियंस, ये सारे लोग यहां पर आएंगे। जी ये इनफॉर्मल चैनल्स हैं जो रेड कलर से हैं, ये इनफॉर्मल चैनल्स हैं। और ये कोशिश करें अच्छी सी डायग्राम पूरे पेज के ऊपर बनाएं अगर यहां पे इस पे क्वेश्चन आता है तो।
डन हो गए जी। चले तो अब हम सबसे पहले जी बात करेंगे कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, हमारी कैबिनेट है और हमारा प्राइम मिनिस्टर, इनका क्या रोल है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इन पाकिस्तान में, तीनों पे बात करेंगे। नंबर वन प्रेसिडेंट, कैबिनेट जी, प्रेसिडेंट, ये चार्ट को भी साथ साथ आप देखते रहिएगा, प्रेसिडेंट, कैबिनेट और पीएम जी। आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसको सबसे पहले आप लिखेंगे, आर्टिकल 90। और आर्टिकल 90 कहता है कि जो पाकिस्तान की फेडरेशन है उसकी एग्जेक्टिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है। एग्जेक्टिव अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 वो कहता है कि ये जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट है, ये असल प्रेरोगेटिव किसका है? ये प्राइम मिनिस्टर का है। और जो प्रेसिडेंट होगा वो अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम चलाएगा, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम चलाएगा। तो आर्टिकल 48 भी आ गया। इसीलिए इसीलिए जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसको डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है? वो डायरेक्टली इन्वॉल्व करती है प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को, क्योंकि उसके जो डिसीजन है वो कौन सी नोयत के? एग्जेक्टिव नोयत के। तो एग्जेक्टिव नोयत की जो रियल एग्जेक्टिव पावर है वो किसके पास है? वो पीएम और उसकी कैबिनेट के पास है। और यहां से होके फिर वो किसके पास जाएंगे? प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। पहली चीज तो ये। और एक और लिख लें, आर्टिकल 5 सब आर्टिकल 1 ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस। आर्टिकल 5 सब आर्टिकल 1 ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस। और वो क्या कहता है? आर्टिकल 5 जी, आर्टिकल 90 प्रेसिडेंट के रिलेटेड है जी। आर्टिकल 5 सब आर्टिकल 1 ऑफ द रूल्स ऑफ बिजनेस वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी मेजर फॉरेन पॉलिसी डिसीजन विदाउट द कंसेंट ऑफ पीएम नहीं लिया जाएगा। नो मेजर डिसीजन ऑफ फॉरेन पॉलिसी विदाउट द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। और इसी तरह आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ना, समझते रहिएगा, आर्टिकल 16 ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस वो क्या कहता है? वो कहता है जी, जितनी भी निगोशिएशंस होंगी फॉरेन कंट्रीज के साथ, ऑल निगोशिएशंस टेकिंग प्लेस विद द फॉरेन कंट्रीज विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द फेडरल कैबिनेट। यहां पर प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है? कैबिनेट को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और कैबिनेट आगे क्या कर सकती है? फर्दर डिस्कशन के लिए, फर्दर डिबेट के लिए उसको जो पार्लियामेंट है उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फॉरेन अफेयर्स उसको भेज सकती है। किसको भेज सकती थी? स्टैंडिंग कमेटी या कोई स्पेशल कमेटीज में वो भी बनाई जा सकती है जी। आर्टिकल 16 कहता है कि जितने भी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन जिनके अंदर निगोसिएशन इन्वॉल्व है विद द फॉरेन कंट्रीज मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द कैबिनेट। अब आएंगे जी, जी रूल्स ऑफ बिजनेस ये हैं कि ये क्लासरूम है ना, इसको हमने चलाना कैसे है। एक है आइन कि जी सारे शहरी क्या है? बराबर है। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब कोई भी अदारा बनेगा तो वो उस प्रिंसिपल को सामने रखेगा कि शहरियों को क्या रखना है? हमने बराबर रखना है। तो वो बराबर रखने के लिए अब जो कवानीन इस कमरे में बनाए जाएंगे वो क्या होंगे? वो रूल्स ऑफ बिजनेस है, यानी कि जिनके तहत अब ये कमरे के अंदर जो इन्वायरमेंट होगा वो क्या होगा? वो चलेगा। जैसे कि पार्लियामेंट होती है उसके अपने रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं जी। नहीं, ये आपकी जो गवर्न करते हैं फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी
ये उसके रूल्स ऑफ बिजनेस है। अभी तो हमारा टॉपिक अंडर कंसिडरेशन है ही फॉरेन पॉलिसी। जी अब आएंगे नंबर टू पे, रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। रोल पहले हो गया किसका जी, पीएम का, कैबिनेट का और प्रेसिडेंट का। अब आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, MFA, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। जी आर्टिकल 13 ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस, आर्टिकल 13 वन थ्री, आर्टिकल 13 जी, आर्टिकल 13 यहां पर क्या होगा, यह कहता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो बाकी डिपार्टमेंट्स को और एजेंसीज को कंसल्ट करेगी। नंबर वन, जैसे कि ये एरो आ रहा है ना, तो ये डायरेक्ट है, यानी कि ये करना जरूरी है, इट इज फॉर्मल प्रोसीजर। और उसमें कल्चर की मिनिस्ट्री भी आ सकती है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी आ सकती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी आ सकती है, कोई भी मिनिस्ट्री आ सकती है। जी आर्टिकल नंबर 13 1 3, ठीक है। अच्छा इसमें हम फॉरेन मिनिस्ट्री का वो बना भी सकते हैं, चार्ट भी, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन वो टू मच हो जाएगा, अननेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। वरना जो फॉरेन मिनिस्टर होता है उसके नीचे कौन होता है जी, फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है। तो उसके नीचे फिर इस तरीके से आपके एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, उसके नीचे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, कमेटीज भी हैं, डायरेक्टर्स हैं, और पीछे बात आती है एसओ तक, सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। और लिखें जी इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसका क्या क्या रोल है। नंबर वन, रिलेशंस एंड डीलिंग विद अदर कंट्रीज, रिलेशंस एंड डीलिंग्स विद अदर कंट्रीज, ये आर्टिकल 13 है जो बताता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को क्या क्या इख्तियारात है। मैटर्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एग्रीमेंट्स, मैटर्स जी, मैटर्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जी इजाज साहब आर्टिकल 13 ही मैं बोल रहा हूं अभी, ठीक है, ये उसके मुख्तलिफ पार्ट्स बोल रहा हूं। डिप्लोमेट्स या जो काउंसलर्स हैं अब्रॉड, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस, ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉज ऑफ नेशंस, यानी कि इंटरनेशनल लॉ को अगर कोई बंदा वायलेट करता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उसको डील करेगी। जी negotiations for settlement of Kashmir, negotiations for the settlement of Kashmir, visits of head of states, visits of head of states, or foreign awards to Pakistanis, foreign awards to Pakistanis। जी नंबर थ्री, रोल ऑफ पार्लियामेंट, रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। पहली चीज आर्टिकल 50 के जो पार्लियामान है पाकिस्तान के अंदर वो एक लॉ मेकिंग क्या है, बॉडी है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी वजह से फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स के रिलेटेड भी कोई लॉ होगा तो वो कौन पास करेगा, पार्लियामेंट पास करेगी। जी उसके बाद पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है, पार्लियामेंट क्वेश्चंस आस्क कर सकती है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ये इनका रोल है। जितनी नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन हैं उन पे सवाल कर सकती है,
जी नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस। जी, और अपनी जो कमेटीज हैं उनके थ्रू फॉरेन पॉलिसी इनपुट दे सकती है, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी है या फॉरेन अफेयर्स की स्पेशल कमेटी है। जी, इनपुट दे सकती है अपनी कमेटीज के थ्रू। जी, अब हम आएंगे नंबर 4, रोल ऑफ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज। दुनिया के अंदर कोई भी सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई इसलिए जाती है ताकि मुल्की मुफाद के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको ओवर्ट और कोवर्ट दोनों तरीकों से क्या किया जा सके, कंबाइन किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके, और उस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को जब मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव फैसला करने लगे तो वो इंफॉर्मेशन उसके सामने रखी जाए। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली जो ये पोर्शन है ना, ये वाला जो पार्ट है, यानी कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका जो इनपुट है वो बाज औकात नहीं, अक्सर औकात जो पूरी की पूरी पॉलिसी यहां से आती है उसके ऊपर क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। जो इनपुट होता है वो डोमिनेट कर जाता है ओवर द इंटायर पॉलिसी, और इसी वजह से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, और कल एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिली है कि जो लोग 2018 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टरान ये तस्लीम नहीं करते थे कि आर्मी का कोई अमल दखल होता है मुल्क को चलाने में, कल परसों की जनरल बाजवा की जो स्पीच है वो सारी की सारी स्पीच क्या है, उसको लिखना है आपने, कल आज जाके ना उसको लिखना है, इस प्रिज्म से नहीं कि ये जनरल बाजवा बोल रहे हैं, इस प्रिज्म से कि ये पाकिस्तान की जो इस टाइम राइट नाउ जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के क्या रिलेशंस होंगे। देखिए, आर्मी चीफ जो होता है ना वो पॉलिसी स्टेटमेंट देता है, वो डिटेल बात नहीं करता, वो फ्रेमवर्क जो है ना उसके लिए ये बैठे हुए, वो पॉलिसी स्टेटमेंट देता है कि पाकिस्तान रशिया रिलेशंस क्या है, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस क्या है। अब जितने लोग सीएसएस के पेपरों में ये तैयारी करके बैठे थे कि हमने जाके यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस में यूएसए को क्या करना है, रगड़ा लगाना है, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं, इतना जज्बाती नहीं होना, पाकिस्तान के उनके साथ हिस्टोरिकल एंड लॉन्ग स्टैंडिंग और स्ट्रेटजिक रिलेशंस है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और चौथी चीज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है हमारी यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, नंबर 5, इनफॉर्मल फैक्टर्स, और इसमें मैंने पहले भी बात की है, मीडिया है, थिंक टैंक्स हैं, एनजीओज हैं, स्कॉलर्स हैं, सोशल मीडिया है, इवन आजकल तो सोशल मीडिया, पब्लिक ओपिनियन है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी रोल प्ले करते हैं। और नंबर 6 पे रीजनल एंड इंटरनेशनल एक्टर्स, रीजनल एंड इंटरनेशनल एक्टर्स, तो उसमें जो आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, जी ओआईसी है, फिर सार्क है, तो रीजनल अप्रेटिस, और उसके बाद इंटरनेशनल फैक्टर्स। तो इंटरनेशनल फैक्टर्स जैसे आजकल यूक्रेन का इशू चल रहा है, ठीक है, तो जो ग्लोबल पावर बैलेंस है वो भी शेप शेप करता है छोटे कंट्रीज जो है या मेजोरिटी कंट्रीज जो है उनकी पॉलिसी मेकिंग में, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी मेजर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है या स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट है वो इंटरनेशनल जो एक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ इन्वॉल्वमेंट, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी सतह पर वो अंडर कंसिडरेशन। अच्छा फहीम, ये एक लंबी बहस है कि फॉरेन मिनिस्ट्री कहाँ थी, वो भी तो ये स्टेटमेंट दे सकती थी, इट इज नॉट दैट सिंपल कि मैं आपको ये कह दूं कि फॉरेन मिनिस्ट्री को आके बयान देना चाहिए था, फॉरेन मिनिस्ट्री कब अपना दायरा है, ठीक है, तो वो दायरा जो है वो दायरा फिर हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात?
ठीक है। अच्छा जी, तो डन हो गया जी। ठीक है, ये हमारा आज का एजेंडा है। ठीक है, और दो अनाउंसमेंट्स हैं। वेरी गुड, ठीक है, मजा आएगा फिर तो। लें जी, डेवलपमेंट सुन लें कि जो नेशनल असेंबली है उसका इजलास अयाज सादिक ने स्टार्ट करवा दिया है ऑपोजिशन ने अपनी मेजोरिटी की वजह से, और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने बाकी के जो जजेज हैं उनको भी बुला लिया है कि आ जाए जनाब मशवरा जी। अब कॉन्स्टिट्यूशनली मसला ये ना कि मेजोरिटी की बात है इस टाइम। ठीक है, मैं तो इस टाइम ये नहीं कह रहा कि सही है गलत है, क्योंकि अब जी अब आपको समझ आई। मैं यकीन करें एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इतना खुश हूं कि हमारी जो पीक है जिंदगी का यूथ का उसके दौरान ये पिछले 10 साल हुए हैं, वरना हमने सारी जिंदगी क्या पढ़ना था, 200 केस, मौलवी तमीजुद्दीन केस, फलाना केस, फलाना केस। अब ये हमारे सामने हो रहा है, अब 20 साल डाउन द लाइन, ठीक है, हिस्ट्री लिखी जाएगी तो फिर हम ये चीजें जो है ना वो नोट्स बना बना के फिर बच्चे पढ़ा करेंगे कि जी वो फलाना प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल हुआ, फिर ये हो गया। और जिस तरह से आज आपको वो पहले 9 साल नहीं पढ़ते आप, 1947 से लेके और 56 तक, कि कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कोई चला जाता था, कभी कोई आ जाता था, ये सब कुछ जो है ये म्यूजिकल चेयर है ये आजकल हमारे सामने हो रही है। तो मैं तो बड़ा खुश हूं कि चले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और कुछ ना कुछ जो है इससे सीखेंगे और पढ़ेंगे। इस पॉलिटिकल सिनेरियो में मेरे से ऑब्जर्वेशन ना दिलवाएं, उसकी वजह है पोलराइजेशन है एक्सट्रीम पे इस टाइम, हर बंदे ने जूता पकड़ा हुआ है हाथ में। ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं खाना चाहता, नहीं वो तो दिल हो ही नहीं सकता इस टाइम। बंदा मुल्क की हालात इस तरह के न्यूट्रल कोई है ही नहीं, नो वन इज न्यूट्रल सिवाय एस्टेब्लिशमेंट के, सिवाय जानवरों के। ठीक है, तो मैं इसलिए अच्छा जी, दो अनाउंसमेंट्स हैं ये जरा ज़हन में रख लें। नंबर वन, जेंडर स्टडीज कितने बच्चों का है जी, जेंडर स्टडीज कितने स्टूडेंट्स का है, जेंडर स्टडीज जी, जेंडर स्टडीज कितने स्टूडेंट्स का है जी, जितने भी स्टूडेंट्स का जेंडर स्टडीज है। ठीक है, अगले वीक जो है वो मैंने खुद ही, नेक्स्ट जो आपका आपका आ रहा है संडे, ठीक है, आपको जेंडर स्टडीज के जितना भी टोटल सिलेबस है और खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो इस साल अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, आपने तैयारी मुझे पता है कर ली होगी, ठीक है, सारा अपना तैयार कर लिया होगा, लेकिन एक जो रिवीजन मैं आपको दूंगा, आई एम श्योर कि आपके, अगर आप 60 पे खड़े हैं तो आप 70 पे आएंगे, अगर आप 70 पे खड़े हैं तो आप 80 पे आएंगे। एक तो जेंडर स्टडीज की जो वर्कशॉप है उसकी अनाउंसमेंट है, और दूसरी जो अनाउंसमेंट है वो क्या है, वो अनाउंसमेंट है जी 10 अप्रैल से आपका जो है वो टेस्ट सेशन हमारा शुरू हो रहा है। तो आप अफतारी से पहले बाद और सहरी के बाद दोनों टाइमिंग्स में आप अपनी स्लॉट जो है वो ले सकते हैं और उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर अब आपने देना है नहीं देना वो एक अलग बात है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद तीसरी अनाउंसमेंट है जी कि जितने बच्चों का फिलॉसफी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका फिलॉसफी है, उनके लिए भी इन्हीं अगले 10-12 दिनों में जो है वो हम लोग रखेंगे। अच्छा जी, मुस्लिम फिलोसफर जो हैं वो भी हमने करें, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक में ही जब हम जेंडर की बात करेंगे तो उसके साथ मैं उसका टाइम रख लेता हूँ। ठीक है, हाँ, और चौथी और सबसे अहम अनाउंसमेंट, आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं जिन बच्चों ने इस दफा अपियर होने या जो अभी अगले साल तैयारी करेंगे, ठीक है, आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स का सेशन जो है, ठीक है, वो हमने बिल्कुल उसको बड़ी मुनासिब उसको रखा है ताकि सारे बच्चे उसमें आ जाए। तो उसमें खास तौर पे जो राइटिंग है ना, कि जो वर्ड्स हैं हमारे डिस्क्राइब, एनालाइज, क्रिटिकल एनालिसिस, उनके ऊपर जो है वो हमने जरूर बात करनी है। ठीक है जी, तो जितने स्टूडेंट्स हैं अभी ऑनलाइन भी और ऑन कैंपस भी, ठीक है,
आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स का सेशन जो है वो जरूर ज्वाइन करें। उसकी वजह के 2 वीक 3 वीक की वो एफर्ट है, लेकिन उसका जो फ्रूट है ना वो आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा कि उसके अंदर जो है वो आपको जो उसके बेनिफिट्स हैं खास तौर पे कि सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, वो जो आपका एग्जिस्टिंग मटेरियल या नॉलेज होगा आई एम श्योर कि मैं उसको 3-फोल्ड बढ़ा दूंगा। 3-फोल्ड आपने अगर एक सवाल तैयार किया हुआ है प्लेटो का, जब हम उसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे कि एक्सप्लेन करो, एनालाइज करो, क्रिटिकली एनालाइज करो, वो सेम स्टेटमेंट सेम नॉलेज वो 3-फोल्ड क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, उसकी फी जो है वो मेरा ख्याल है 2,000 है या 3,000 है जी। आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स का सेशन जो है वो 10 को भी जी। मॉक्स जो है जी, मॉक्स पिछला फीडबैक तो स्टार्ट हो गया है, पोल साइंस का पेपर 1 हो गया है, उसके बाद आज हमारे 2 पेपर्स और हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलें जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होती है।